दोस्तों, ना तो मेरी गर्लफ्रेंड है और ना ही दुनिया का कोई भी टेंशन मेरे को है, इसीलिए मैं जो एक्सपेरिमेंट करता हूँ आप वो घर में करने की कोशिश ना कीजिए। इस चैनल में दिखाई गई कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप घर में करते हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। थैंक यू दोस्तों। एक बहुत ही हिट फिल्म आया था कुछ साल पहले, उस मूवीज में बहुत सारे ऐसे हथियार दिखाए गए थे, मतलब हिस्टोरिकल हथियार दिखाए थे, मिडिवल एज के हथियार दिखाए गए थे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था और एक डाउट भी था कि कुछ हथियार है जो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एकदम फालतू है और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हाँ ये होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ हथियार देखने में ख़तरनाक होता है, कुछ हथियार काम करने में होता है, रियलिटी में अलग होता है। ऐसा ही एक हथियार दिखाया गया था उस मूवीज़ में, जो किला था, जो फोर्ट था, उसके ऊपर रख के उसको फायर किया जाता था। मैं कॉपीराइट के इशू है इसीलिए वीडियोज़ नहीं दे रहा था, तो आपको पता चले गया होगा मैं कौन सा मूवीज़ की बात कर रहा हूँ और कौन सा हथियार की बात कर रहा हूँ। तो वो एक हथियार था जिसमें एक साथ सैकड़ों तीर छोड़ा जाता था, तो वो वाले हथियार पे डाउट था कि एक्चुअल में ये कितना काम करता है। तो हमने एक कॉपी बनाया उसकी, मतलब कॉपी नहीं, एक प्रोटोटाइप बनाया, जो कि देखने में तो बहुत ही खतरनाक लगता ही है, जैसे कि आप देख रहे हो। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसको बनाया कैसे। बेसिकली दोस्तों, हमने इसका जो प्लाईवुड के इस्तेमाल किया है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत सारे प्लाईवुड्स हैं जो कि हमने काट के सारे जो पार्ट्स है वो बना लिया है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो। फिर हम एक एक करके इसको जोड़ते हैं। हमने यहाँ पे स्क्रू, नॉर्मल स्क्रू का इस्तेमाल किया है, और क्योंकि उस ज़माने में तो वेल्डिंग नहीं था, तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक एक करके हम जोड़ना शुरू करते हैं, असेंबल करना शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, जब तक हम ये सब कारनामा कर रहे हैं, पूरा सिस्टम को खड़ा कर रहे हैं, आपको क्या करना है, चैनल में देखना है कि जो वीडियोस है उसके नीचे जो हमारे चैनल का नाम है वहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन है, वो प्रेस किया हुआ कि नहीं। अगर प्रेस नहीं किया हुआ है तो मेक श्योर कि वो प्रेस हो जाए, ठीक है। बस आपको एक दबाना है, और दबाते दबाते एक फिर आपको आ जाएगा बेल आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको ऑल क्लिक कर देना है, ठीक है। लाइक और शेयर के बाद में करूँगा, ओके। तो पहले वीडियो देख लो, इंटरेस्टिंग रहेगा फिर ही लाइक करना, कमेंट करना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो इसका नाम, एक्चुअली मुझे नहीं पता क्या नाम है इसका, लेकिन जो भी है वो तैयार हो चुका है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो। मूवीज़ में तो नहीं दिखाया गया कि इसको पावर देने के लिए किस तरह के सिस्टम यूज़ किया जाता था, लेकिन हमने यहाँ पे रबर बैंड का इस्तेमाल किया दोस्तों, ठीक है। तो ये वाले जो रबर बैंड है दोनों तरफ दो लगा हुआ है, जैसे कि ये पे आप देख रहे हो, तो इसी से इस पूरी सिस्टम को पावर मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो ट्राई कर लेते हैं कि ये कितना दूर तक फेंक सकता है। तो हमने यहाँ पे एक मोटा मोटा रेंज सेट किया है करके, हमने यहाँ पे लगा दिया है सब कुछ। तो अभी हम एक सिंगल तीर को छोड़ेंगे, तो शुरू करते हैं दोस्तों। 3 2 1 फायर, नहीं यहाँ पे एक्चुअली फायर नहीं बोला जा सकता था, लेकिन जो भी है इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही है। और यहाँ पे आप माप रहे हैं दोस्तों, अगर आप टेप से मापे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इसका जो रेंज है वो 260 सेंटीमीटर तक आ रही है, जो कि प्रोटोटाइप के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छा रेंज है, एक लॉन्ग रेंज है। लेकिन फिर भी दोस्तों इस चीज़ को मैंने कभी भी किसी भी हिस्टोरिकल म्यूजियम में या फिर जो हिस्टोरिकल वेपन्स होता है रियल लाइफ में, वहाँ पे हमने नहीं सुना और हिस्ट्री में भी नहीं पढ़ा। तो क्या वजह हो सकता है कि इतना अच्छा एक वेपन है जो काम नहीं कर रहा? तो इसीलिए दोस्तों इस सवाल की जवाब हमें मिलेगा जब हम इसको फुल पावर पर सेट करके छोड़ेंगे। तो इस बार दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, हमने जो यहाँ पे एक्चुअली दोस्तों 20 तीर एक साथ सेट हो सकता है, तो हमने एक एक करके 20 तीर को यहाँ पे लगा रहे हैं। जब तक हम 20 तीर को लगाते हैं तब तक आप, मतलब 20 तीर मतलब 20 एरोज, ओके। तो जब हम 20 एरोज को एक साथ छोड़ेंगे, सेट करने में थोड़ा सा टाइम तो जाता ही है, तब तक आप क्या करना, आप लाइक कर दो वीडियो को और एक कमेंट तो ठोक ही दो। तो इसीलिए ये वाले मॉडल के साथ दिक्कत यही है कि हर एक तीर एक ही पावर के साथ नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा पावर है ये यहाँ पे लगेगा फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे जो एरो है इसके अंदर, टेक्निकली होना चाहिए, लेकिन मतलब सब एरो में एकदम परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये एक एंगल पे जाएगा, ऐसे एंगल पे, ठीक है। और यही पे मेरा डाउट है कि ये काम शायद ना करे इतने सारे एरो के साथ, लेकिन फिर भी ट्राई तो करना होता है। 20 मिसाइल के साथ इस बार हम फुल पावर के साथ हमला कर देंगे हमारे वो किला पे, टन 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 टन। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने बनाया एक ताश की पत्ती से टारगेट,
तो सब देखते हैं कि ये जो टारगेट है वो कितने हिट कर पाता है, और मतलब कितने एरो है वो टारगेट को हिट कर पाता है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस है, जो कि मैंने बोला था 260 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने रखा है। ओके तो चलो शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1 फायर। तो यहाँ पे सारे देखो जो भी एरो है, 20 एरो के 20 यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो कि लॉन्ग रेंज था 260 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने सिर्फ 200 सेंटीमीटर तक दिया था, ठीक है। फिर भी हर एक जो टारगेट है नहीं पहुंच पाया, इसीलिए इस हथियार को रियल लाइफ में कभी यूज किया नहीं गया होगा, क्योंकि फुल पावर के साथ इसका जो रेंज है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, मतलब नॉट अ सिंगल एरो, एक भी नहीं। ओके तो इस बार सिर्फ एक या दो एरो के साथ ट्राई करेंगे और देखेंगे कि किला का क्या हालत होता है। ओके शुरू करते हैं। नहीं ठीक ही था, थोड़ा सा टारगेट मिस हो गया, थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं है, जो ताश की जो महल है उसको हम उड़ाएंगे फायर एरो के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो हम करने वाले हैं वो सच में बहुत खतरनाक है, घर में तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना। तो क्या करें दोस्तों, हम 3 एरो को यहाँ पे लगा देंगे और इसके ऊपर हमने कपड़ा लगा दिया है, तो क्या करेंगे हम इसको फायर एरो में बदल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये हो गया हमारा फायर एरो। ओके तो अभी चलो देखते हैं कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, तो शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1 फायर। ठंडा एरो के स्लो मोशन में देखो दोस्तों, ये जो स्लो मोशन में देख रहे हो ना, खतरनाक है भाई। ओके दोस्तों, तो हालत कुछ इस तरह से है, आग नीचे जल रही है और हमारे जो टारगेट है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, और एक है जो यहाँ पे बुझ गई है। दोस्तों नॉर्मल सी बात है, मुझे पता ही था कि ये बुझ जाएगा, लेकिन आग अभी भी नीचे जल रही है। इस हथियार को मूवी में जितना खतरनाक दिखाया गया था, ये उतना खतरनाक है भी नहीं, उसके आसपास भी नहीं है। क्योंकि पहली बात है, इसके जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है डिज़ाइन पे, ये आवाज़ तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है। हर एक एरो पे ये ठीक तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, और जो जंग के तीर होता है वो इसका डायमीटर इतना मोटा मोटा होता है, मुझे पता है इतना मोटा मोटा होता है, और बहुत भारी होता है वो तीर तभी ना, क्योंकि उस टाइम के ज़माने में इतना मोटा मोटा जो प्लेट है वो छाती पे लगाया जाता था, और उतने मोटे मोटे तीर को इतना दूर तक फेंकने के लिए जितना पावर लगता है ना, वो मतलब एक साथ फेंकने के लिए वो इस पे है नहीं। तो इसीलिए ये वाले जो हथियार है ये मूवीज प्रॉप तक ही ठीक है, रियल लाइफ में ये बेकार है। और आई होप कि ये वाला वीडियो आपको भी बहुत अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेक श्योर कि जो बेल आइकॉन है वो ऑल पे दबा रहे, ठीक है। और एक कमेंट कर दो, एक लाइक कर दो, और क्या आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, कर दो ना यार। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। कितना मस्त लगता है ना दिखने में भाई, खतरनाक है। इसको अगर जंग में सामने की तरफ रख देना, दुश्मन का रूता ऐसे ही कम जाएगा, कम करे या ना करे। खैर, थैंक यू।